गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव सीन दैट द फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन इज नेसेसरी. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट प्रोड्यूसेस साउंड एंड वी हैव सीन हाउ साउंड ट्रेवल. ओके, सो आई टोल्ड यू दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. How loudly we are speaking, that means how much we are producing vibration, that much of energy we are generating. Okay, and that is moving from one place to other place. Again, see, suppose this one is the a person is speaking from here, a person is producing sound. So when the person spoke, then it releases what? Some kind of energy. So these are what? Air particles. These are what? Air particles. Normally the air particles are moving. As we know that the air particles are always moving. ना क्या आपको पता है ना कि एयर पार्टिकल्स क्या होता है? हमेशा मूव करता है. तो एयर पार्टिकल्स, ठीक है, तो दीज आर वॉट एयर पार्टिकल्स. ये एयर पार्टिकल्स है. यहां से जब कोई पर्सन बोलेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी. अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ पास होगी? द फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स. दिस इज व्हाट? फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर. तो जब यहां से एनर्जी निकलेगी, तो ये एनर्जी किसको पास होगी? द फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स. ये एनर्जी यहाँ पास हो रही है, ठीक है. जब एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी किसको मिल रही है? फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को मिल रही है. नॉर्मली एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते ही रहते हैं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं. बट लेकिन जब उनको क्या मिलती है? एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो उनका जो मूवमेंट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है. उनके बीच में जो मोशन है वो क्या होता है? स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है. तो ये एनर्जी किसको मिली? फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को मिल गई. अब ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? मूव करेंगे. कहां मूव करेंगे? टूवर्ड्स, आगे की तरफ मूव करेंगे. सो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? इधर से मूव करेंगे, ठीक है. जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो ये एनर्जी किसको पास करेंगे? सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल्स को. ये एनर्जी इनको पास कर देंगे, सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल्स को. तो ये एनर्जी यहां से कहां आ गई? फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी किसको मिली? सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल्स को. ये जो पार्टिकल्स है, जब एनर्जी इसको देंगे, देन अगेन दे विल कम बैक. ये क्या होंगे? फिर वापस आएंगे, ठीक. फिर ये जो सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल्स है, ये अपनी एनर्जी किसको पास करेंगे? थर्ड सेट ऑफ पार्टिकल्स को. थर्ड सेट ऑफ पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी देंगे, देन अगेन दे विल कम बैक. इस तरह से ये जो पार्टिकल्स है वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे? नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को देंगे, देन अगेन दे विल कम बैक. सो देयर इज अ व्हाट? देयर इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स. ये जो एयर पार्टिकल्स टूवर्ड्स आगे जाते हैं, देन बैक आते हैं, ठीक है. सो इस तरह से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं, और एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. दिस वे वी हियर द साउंड. दिस वे द एनर्जी रिचेस टू अवर ईयर ड्रम विच इज इन साइड अवर ईयर एंड वी हियर द साउंड, ठीक है. अब देखो, यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि जब ये एनर्जी पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, यहाँ पे इस बीच में, यहाँ पे क्या होता है? सम काइंड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी. यहाँ पे क्या होता है आपका? लॉस ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? लॉस होती है. जब ये पार्टिकल्स एनर्जी को क्या करते हैं? पास करते हैं, तो यहाँ पे बीच में क्या होती है? लॉस ऑफ एनर्जी होती है. वैसे यहां पर भी क्या होगी? लॉस ऑफ एनर्जी. यहां पर भी क्या हो रही है? लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है. तो एनर्जी पूरी तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पास नहीं होती. जितनी एनर्जी गेन फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हैं, सेम एनर्जी यहां पर अगर कोई पार्टिकल्स हैं, तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पार्टिकल्स को मिलती है, एग्जैक्ट वही अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पार्टिकल्स को नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बीच में क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है. सो इफ यू स्टैंडिंग सो फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, देन वी लिसन द लो साउंड. अगर आप बहुत दूर खड़े हो सोर्स ऑफ साउंड से, तो आपको जो है साउंड जो है वो थोड़ा धीरे सुनाई देगा. अगर आप उसके क्लोजर खड़े हो, तो आपको साउंड क्या होगा? फास्ट सुनाई देगा. क्योंकि अगर हम जितना पास आएंगे सोर्स के, उतनी ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगी. अगर हम दूर खड़े हैं, तो हमको एनर्जी भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी, ठीक है. चलो, सो अगर इसको हम ग्राफिकली अगर देखते हैं, दैट इज द मूवमेंट ऑफ ग्राफिकली अगर देख रहे हैं हम लोग, तो इसको एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. चलो, इसको एक बार और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करती हूँ दैट हाउ एग्जैक्टली इट इज मूविंग.
सो फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं. देखो जब एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये करते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं, जब इनको एनर्जी मिलती है तो क्या करते हैं टुवर्ड्स मूव करते हैं, देन फिर अगेन क्या होते हैं बैकवर्ड आते हैं, टुवर्ड्स मूव करते हैं देन फिर से पीछे आते हैं, है ना. तो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये एक पॉइंट पे जाके क्या करते हैं एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, जैसे ये कोलाइड हो रहा है देखो ये कोलाइड होते हैं, फिर ये क्या होते हैं देन अगेन मूव करते हैं, देन अगेन फिर क्या होते हैं किसी पॉइंट पे जाके फिर ये क्या होते हैं ये कोलाइड हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे ये कोलाइड हो रहे हैं. सो ये कैसे होता है, देखो जब एयर पार्टिकल्स होते हैं ये जब मूव करते हैं, मूव करें इससे अपने एनर्जी किसको दी सेकंड पार्टिकल को दी, ये मूव बैकवर्ड आया, फिर ये आगे मूव किया ये बैकवर्ड आया. तो एक पॉइंट ऐसा होता है कि आगे और बैक जब ये ऐसे होते हैं टू एंड बैक तो ये आपस में क्या होते हैं ऐसे कोलाइड हो जाते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है वो कैसे होती है हाई, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है. ठीक है, यहाँ पे क्या होती है मतलब डेंसिटी मीन्स यहाँ पे एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजर आ जाते हैं. तो दैट वी कैन से दैट द हियर द एयर पार्टिकल्स आर कंप्रेसिंग, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है क्या हो रहे हैं कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड मतलब क्या होता है ऐसे पास पास आ जाना, बहुत नजदीक आ जाना. ठीक है, तो यहाँ पे जब एयर पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, और वी कैन से दैट द एयर पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड हियर. ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस्ड हो रहे हैं. अच्छा देखो अगर यहां से निकल के जा रहे हैं एयर पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं और यहाँ पे कंप्रेस्ड हो रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो एयर पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए ना, दूर हो गए ना, क्योंकि ये यहां से क्या हो रहा है ये यहां से एयर पार्टिकल्स आगे की तरफ जा रहे हैं. जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये जगह क्या हो गई खाली हो गई, ये जगह तो खाली हो गई, खाली हो गई ना. तो ये जो हो रहे यहाँ पे क्या हो रहे हैं वो लोग यहाँ पे क्या हो रहे हैं यहाँ पे दूर हो रहे अवे हो रहे हैं ना. ये मतलब पार्टिकल्स कैसे होते हैं देखो मैं आपको बता रही हूँ, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये जब ये फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड आ रहा है तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे क्या करते हैं कोलाइड होते हैं, लेकिन जब वो वापस जब एक दूसरे से मूव करते हैं देन फिर से क्या होते हैं थोड़ा सा दूर हो जाते हैं. भाई ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है इधर वाला टकरा रहा है तो लेकिन यहाँ पर जो है ये तो क्या हो रहा है एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ऐसे क्या हो रहे हैं दूर हो जा रहे हैं. ठीक है, तो दूर हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है डेंसिटी क्या होती है लो हो जाती है, यहाँ पे लो डेंसिटी आती है, यहाँ पे डेंसिटी लो होती है और इस पॉइंट पे डेंसिटी क्या होती है हाई हो जाती है. तो जहां पे डेंसिटी लो है या पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन. ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन. और जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से कंप्रेस्ड हो रहे हैं या कोलाइड हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन. ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंप्रेशन, जहां पे एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं कोलाइड होते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, और जहां पे एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं दैट इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन. ठीक है, सो द एयर पार्टिकल्स आर पासिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. इफ यू सी दिस इन द ग्राफ देन वी विल सी दैट द साउंड इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी. अगर आप इसी को ग्राफ में देखोगे, चलो इसको ग्राफ में देख लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप ग्राफ में देख रहे हो तो जहां पे आपके एयर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, ये एयर पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या डेंसिटी कैसी है लो डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी क्या लो है, लो डेंसिटी. ठीक है, मतलब एयर पार्टिकल्स दूर दूर है ना, यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे डेंसिटी कैसी है लो है. तो यहाँ पे जो आपका बनता है वो ग्राफ कैसे जाएगा आपका, अगर ये ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका ऐसे लो में जाएगा. ठीक, फिर यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब एयर पार्टिकल्स बहुत पास में है कंप्रेस्ड हो गए ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाई बनता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया. ठीक है, तो फिर ये ऐसे जाएगा. तो अगर आप देखोगे तो साउंड जो है वो आपका एज अ वेव के फॉर्म, ऐसे वेव के फॉर्म में साउंड क्या करता है ट्रेवल करता है. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज ऑक्सिलेशन. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम मीन्स व्हाट, जो घड़ी में लगा होता है ना आपके ऐसे ऐसे मूव करता है दैट इज व्हाट पेंडुलम. ठीक है, तो ये पेंडुलम है. अभी पेंडुलम जब पेंडुलम मूव नहीं कर रहा है, सपोज ये पेंडुलम जस्ट ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, सो अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये क्या है आपका
क्या रेस्ट रेस्ट इन रेस्ट पोजिशन पे, कोई मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द मीन पोजिशन ऑफ पेंडुलम. तो ये आपका जो है जब पेंडुलम रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, सो दिस इज वॉट मीन पोजिशन ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजिशन ऑफ पेंडुलम. ठीक. अब इस पेंडुलम को मैंने हाथ से उठाया और मैंने यहां इस पोजिशन तक लाया. कहां तक लाया, बी तक. मतलब पेंडुलम को उठा के मैं कहां तक ला रही हूं, बी तक, है ना. ये मैंने लेके आया बी तक. अब यहां से लाके मैंने उसको छोड़ दिया. तो मतलब मैंने क्या दिया, उसको फोर्स किया, छोड़ दिया, पेंडुलम को छोड़ दिया. जब मैंने उसको पेंडुलम को छोड़ा तो फिर ये क्या करेगा, बी से वापस कहां जाएगा, ए में जाएगा, देन ए से कहां जाएगा, सी में, देन अगेन सी से वापस कहां आएगा, ए में आएगा. ठीक है. कैसे मूव करेगा, ये ए से कहां जाएगा, बी में, बी से वापस कहां जाएगा, ए में, देन ए से कहां जाएगा, सी में, देन अगेन वापस सी से कहां जाएगा, ए में वापस आएगा. ठीक है. सो when the pendulum goes from A to B and return back to the mean position of A, then again goes to C, then again comes to the mean position A, then we call it one vibration. क्या बताया, जब ये pendulum यहां से B में आएगा, then वापस कहां जाएगा, A में, then कहां जाएगा, मतलब pendulum कैसे, vibration is what, ये pendulum कैसे मूव कर रहा है. इसको मैंने हाथ से लिया, यहां पर लेके आया, ठीक है, B पे लेके आया, छोड़ दिया, छोड़ दिया. तो ये कैसे कैसे जाएगा भाई, ये जाएगा कैसे, ये पेंडुलम आपका यहां था, यहां से ऐसे आएगा, जब हम छोड़ देंगे तो वापस कैसे जाएगा, ऐसे, देन फिर कैसे आएगा, ऐसे, देन फिर कैसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे ही तो मूव करते हैं ना. आप किसी को झूला झुलाने के लिए कैसे करते हो, ऐसे आगे पकड़ते हो, छोड़ देते हो, छोड़ देते हो तो वैसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मूव करता है. सो दैट इज कॉल्ड वन ऑक्सिलेशन और वन वाइब्रेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑक्सिलेशन और वन वाइब्रेशन. ठीक है. पेंडुलम का यहां से बी पोजीशन पे आना, देन बी से कहां जाना, सी पे, देन सी से वापस कहां आना, ए पे, दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन और वन ऑक्सिलेशन. ठीक है. देन द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, यहां पे हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक पोजीशन, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है, इसको मैंने यहां से उठाया और यहां पे रख दिया. ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसको मैंने उठाया और यहां से कहां रख दिया, यहां पे रख दिया. तो अभी ये किस पोजीशन पे था, ए पे. ए से उठा के कहां पे रख दिया मैंने इसको, बी पे. उसका प्लेस चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, प्लेस चेंज हुआ ना, प्लेस चेंज हुआ. सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो ये ऑब्जेक्ट का ए से, ए पोजिशन से बी पोजिशन तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए इज वॉट मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से बी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. ठीक. चलो इसको अब ग्राफ के फॉर्म में समझ के देखते हैं ना, साउंड में एम्पलीट्यूड कैसे आता है. ओके, चलो देखते हैं. चलो ग्राफ बना लेते हैं. ये मैंने बना लिया ग्राफ. ठीक. अब ग्राफ है, मान लो यहां पे आपका ये एयर पार्टिकल है. क्या है ये, एयर पार्टिकल है. ठीक. तो ये एयर पार्टिकल मूव कैसे करेगा, बताया था आपको कि एयर पार्टिकल्स जो है उनके बीच में मूवमेंट कैसे होता है, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में होता है. तो एज अ वेवलेंथ के फॉर्म में होता है. तो ये वेवलेंथ जो होती है ना, वो आपकी ऐसे बनती है, ऐसे. ठीक है, ऐसे बनती है वेवलेंथ आपकी. ठीक है, ऐसे बनती है वेवलेंथ. तो ये जो एयर पार्टिकल है, ये जो एयर पार्टिकल है वो यहां पर है. चलो थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, नहीं दिख रहा है क्या. ठीक है, इसकी विजिबिलिटी थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आप लोग, क्लियर दिखेगा. ठीक है, ये मान लो मैंने थोड़े बड़े बना दिए वेवलेंथ, ऐसे बन गया. ठीक, ये बन गया. अब ये एयर पार्टिकल कहां पे, यहां पे. ठीक है, और ये एयर पार्टिकल यहां से कहां तक मूव हो रहा है, यहां तक. ये एयर पार्टिकल यहां से कहां तक गया, यहां तक, यहां तक गया. तो ये क्या था, उसका ए पोजिशन हो गया, और ये क्या मान लेते हम लोग की सी पोजिशन हो गया. ठीक है, तो ये एयर पार्टिकल यहां से कहां तक गया, यहां तक. ये इसका मेन पोजिशन था जब वो रेस्ट में था. जब उसको एनर्जी मिली, साउंड एनर्जी मिली, तो वो यहां से कहां गया, सी में गया. ठीक. तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे. क्या हुआ यहां पे, डिस्प्लेसमेंट हुआ. मतलब ये जो एयर पार्टिकल है वो अपने प्लेस से क्या हो गया, चेंज हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. सो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. अब ये ग्राफ ऐसा है. ठीक है, अब इस ग्राफ को हम टर्न कर देते हैं. चलो टर्न कर देते हैं ग्राफ को. इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं. टर्न कर देंगे तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे. टर्न कर दिया मैंने वेवलेंथ को. ठीक है, हो गया, टर्न हो गया. ठीक. तो मैंने जो एयर पार्टिकल है उसको कहां रखा था, ये मान लो आपका एयर पार्टिकल है ये. ठीक, ये इसकी मीन पोजीशन है. ये एयर पार्टिकल की क्या है, मीन पोजीशन है. यहां से वो कहां तक गया, यहां तक गया.
ठीक, ये एयर पार्टिकल यहां से कहां गया, यहां तक गया, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका पोजीशन चेंज हुआ, वो यहां से कहां गया, यहां पे गया ना, सो दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जितना ये डिस्टेंस कवर करता है दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही क्या होता है, लाउड होता है, जितना कम एम्पलीट्यूड होता है साउंड उतना ही क्या होता है, लो होता है। क्लियर है यहां तक? चलो आज हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, देन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वी विल सी नेक्स्ट क्लास। ओके।